नोएडा में एक बार फिर से डिजिटल हाउस अरेस्ट का केस सामने आया है। इस बार बुजुर्ग महिला को वीडियो कॉल पर साइबर ठगों ने गिरफ्तारी का डर दिखाकर 1,30,00,000 रुपए ऐंठ लिए। पुलिस अब इन साइबर ठगों की तलाश में जुटी है। नोएडा में फिर डिजिटल अरेस्ट का केस। नोएडा में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का केस सामने आया है। आरोप के मुताबिक फेडेक्स कोरियर कंपनी के नाम पर कॉल कर जालसाजों ने डराया, धमकाया और महिला को जेल भेजने का डर दिखाया। नोएडा में एक के बाद एक लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 49 से है, जहां एक बुजुर्ग महिला के साथ 1,30,00,000 रुपए की ठगी कर दी गई। आपको बता दें, महिला को 5 दिन तक स्काइप कॉल पे डिजिटल अरेस्ट रखा गया और इस दौरान उसे बैंक डिटेल्स ली गई। साथ ही वही मॉडस ऑपरेंडाई यानी ठगी, जालसाजों का वही एक तरीका जिससे लगातार पूर्व में भी वो ठगी करते रहे हैं। बुजुर्ग महिला से ठगे 1,30,00,000 रुपए। रिपोर्ट के मुताबिक साइबर ठगों ने बुजुर्ग महिला से करीब 1,30,00,000 रुपए ठग लिए। साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। ठगों की तलाश में जुटी नोएडा पुलिस। पीड़ित महिला ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस भी इस ठगी की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। लगातार 5 दिन तक इनको किसी अन्य कोई और मोबाइल अटेंड करने नहीं दिया गया, इनको अन्य किसी व्यक्ति से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। ऐसा दबाव बनाया कि आप कहीं बाहर नहीं जाएंगी, अपने घर में रहेंगी, और इस तरह से दबाव बनाते हुए कई बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड कराए गए, जिस और उनमें 1,40,00,000 रुपए ट्रांसफर करा दिए गए। महिला को 5 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट। साइबर क्राइम की दुनिया में डिजिटल अरेस्ट से ठगी का खेल तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसमें पहले एक वीडियो कॉल आता है, फिर सामने वाला खुद को पुलिस या किसी केंद्रीय जांच एजेंसी का बड़ा अधिकारी बताकर किसी पार्सल में ड्रग्स या दूसरे किसी ऐसे सामान का हवाला देता है जो गैर कानूनी है। इसके बाद शुरू होता है ठगी का खेल। वीडियो कॉल को बंद नहीं करने दिया जाता है और लगातार अलग अलग ठग खुद को अधिकारी बताकर अलग अलग अकाउंट नंबर पर पीड़ित से पैसे ट्रांसफर करवाते रहते हैं। जब तक पीड़ित को होश आता है, अकाउंट से पैसे निकल चुके होते हैं। फिलहाल महिला ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दी थी, जहां पर धारा 419, 420 और 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साइबर क्राइम के अफसरों की तरफ से कहा गया है जल्दी मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन शहर में लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं और सेम मॉडस ऑपरेंडाई यानी सेम तरीका है जिस तरीके से ये ठगी कर रहे थे, और फिर एक महिला अब इस ठगी का शिकार हुई है। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, नोएडा। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में भी डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। यहां पीएचडी स्कॉलर को डिजिटल अरेस्ट करके 1,00,000 रुपए की ठगी की गई है। साइबर ठगों ने फोन पर खुद को कस्टमर अधिकारी बताया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए रिपोर्ट। इंदौर में एक पीएचडी स्कॉलर के साथ डिजिटल अरेस्ट का ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करके करीब 1,00,000 रुपए उससे ठग लिए। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र के रिसर्च स्कॉलर जयंत को एक अनजान नंबर से फोन आया। साइबर ठगों ने फोन पर बताया कि वे कस्टम अधिकारी हैं। ठगों ने बताया मुंबई एयरपोर्ट से कॉल कर रहे हैं। स्कॉलर जयंत के नाम से एक पार्सल मिला है। पार्सल में फर्जी पासपोर्ट और ड्रग्स के पैकेट हैं। इस बारे में पूछताछ करनी है और जांच में सहयोग करना होगा। आरबीआई, सीबीआई, क्राइम ब्रांच समेत कई एजेंसियां पूछताछ करेंगी।
इस दौरान वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, फोन कॉल को भी डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। आरोपियों ने वीडियो कॉल से इस कॉलर को जोड़ा, इस कॉलर के खाते में अवैध लेन देन बताते हुए डिटेल ले ली, दूसरे बैंक अकाउंट में करीब 1,00,000 रुपए ट्रांसफर करवा दिए। एक अननोन मोबाइल नंबर से फोन आया था जिसमें उनको ये बताया गया कि मुंबई एयरपोर्ट पर सेडेक्स कुरियर के नाम से उनके नाम पर एक कुरियर आया है जिसमें कुछ सस्पेक्टेड मटेरियल है जिसमें जाली पासपोर्ट और प्रतिबंधात्मक दवाई है। ये मामला नारकोटिक्स विभाग का मामला है और इसके तहत उनके ऊपर केस किया जाएगा। इस कॉलर जयंत को शक हुआ तो उसने कॉल के दौरान गूगल पर कोरियर कंपनी का नाम सर्च किया, लेकिन उस नाम की कोई कोरियर कंपनी नहीं है। जब तक उन्होंने फोन कट किया तब तक करीब 1,00,000 की ठगी हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं, पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इसराइल हमास युद्ध के बीच में पीएम नेतन्याहू बैकफुट पर चले गए हैं। इसराइल में उनकी गठबंधन सरकार की चूल्हे हिल गई हैं, क्योंकि गठबंधन सरकार में शामिल बेन गवीर पर वॉर सीक्रेट लीक करने के आरोप लगे हैं। बेन गवीर कट्टर लीडर माने जाते हैं जो कि हमास के खात्मे तक युद्ध के समर्थक हैं। हमास के बम हाउस ने भी इसराइल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखिए इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। नेतन्याहू का फरमान, रफा बनेगा शमशान। आईडीएफ का ऑपरेशन सुरंग, हमास की मांद में युद्ध। नेतन्याहू को जंग जिताएगा मीर काहिन का शागिर्द। तीस दिन का बारूदी बवंडर झुलसेगा पूरा अरब वर्ल्ड। नेतन्याहू के नए ऑर्डर ने पूरे मिडिल ईस्ट की टेंशन बढ़ा दी है, जिसके साथ इसराइल हमास युद्ध की विभीषिका के और विकराल और व्यापक होने की गारंटी भी मिल गई है। 30 दिन की टाइमलाइन में रफा और गजा का चप्पा चप्पा दहलाने के लिए नेतन्याहू आर्मी नई रणनीति पर चल पड़ी है, जिससे गजा और रफा की गली गली में मौत का भयावह तांडव दिखेगा। जितने मिसाइल और बम के धमाके अब तक हुए हैं उससे कहीं ज्यादा बारूदी आतिशबाजी आने वाले 30 दिनों में शुरू होगी। आगामी बारूदी टकराव का फर्स्ट ट्रेलर है ये तस्वीरें। इसराइल फोर्स का ये मार्च हमास के उस गढ़ की तरफ बढ़ रहा है जहां सुरंग में बैठे हैं हमास के आत्मघाती और सबसे कट्टर लड़ाके। दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों से लैस हमास की टनल वॉरफेयर पर अब इसराइल फोर्स ने धावा बोल दिया है। आईडीएफ और हमास लड़ाकों के बीच गाजा पट्टी के याबना में भीषण युद्ध चल रहा है। आईडीएफ के टॉप कमांडर कर्नल लिरोन बेटिटो इस फ्रंट पर गिफ्ती ब्रिगेड को लीड कर रहे हैं। मिलिट्री ऑपरेशन के बीच 18 जून को यहां इजरायली पत्रकारों का दौरा भी करवाया गया है, क्योंकि अगले कुछ दिन इस हिस्से में इजरायल बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहा है। वजह है कर्नल लिरोन बेटिटो को हमास का टारगेट बनाना। याबना कैंप में भीषण गोलीबारी के बीच हमास का एक लड़ाका कर्नल लिरोन के कमांड सेंटर के 100 मीटर के करीब जा पहुंचा। गिफ्ती इन्फेंट्री ब्रिगेड के सोल्जर्स ने आरपीजी से लैस हमास फाइटर को स्नाइपर अटैक में ढेर कर दिया। हमास के आत्मघाती हमलावर ने इसराइल के टॉप कमांडर को टारगेट बना लिया था।
हालांकि हमले से ठीक पहले उसे मार गिराया गया, जिसके साथ आईडीएफ ने हमास के गढ़ में घुसकर सफाई का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल फोर्स ने दावा किया है कि हमास लड़ाकों ने रफा में बड़ी संख्या में घरों में बम लगा रखे हैं। सुरंगों में आवाजाही के लिए हमास फाइटर इन्हीं घरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमास लड़ाकों ने मुश्किल से दिखने वाले कार बैकअप कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिससे ये पता न लगाया जा सके कि सैनिक बम वाली इमारत में कब पहुंचते हैं और विस्फोटकों को उड़ा देते हैं। पिछले हफ्ते ऐसे ही हमले में आईडीएफ की टोही टोली के 5 सैनिक मारे गए थे, जब बम वाले घर में विस्फोट हो गया और इमारत का एक हिस्सा सैनिकों पर गिर गया। हमास ने रफा के घरों को बारूदी चैम्बर बना रखा है, जहां कदम रखते ही इजराइल फोर्स के चीथड़े उड़ रहे हैं। रफा फ्रंट पर इजराइल फोर्स की रणनीति की कुछ कमजोरियां भी सामने आई हैं। आईडीएफ ने रफा में अनुमान लगाया था कि यहां 2000 हमास लड़ाके मौजूद होंगे, जो 1.2 मिलियन घनी आबादी वाले इलाके में घुले मिले हैं। एक छोटे से ब्रेक लिया, रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।